टुडे आई एम गोइंग टू शो यू माय रियल टाइम समर मॉर्निंग रूटीन. समर हो या विंटर हो, मेरा मॉर्निंग रूटीन सेम ही रहता है. बट एक चेंजेस आया है. मैं योगा जो मैं यूजुअली मैं सुबह को करती थी, बट रिसेंटली मेरे वर्क प्लेस में जो चेंजेस आए थे उस वजह से मैंने इवनिंग को करना शुरू कर दिया था. बट अभी फिर से मेरे काम में थोड़ी बहुत चेंजेस आए हैं, तो मेरे पास सुबह काफ़ी समय रह जाता है, तो मैं वापस से मॉर्निंग को ही करती हूँ, क्योंकि शाम को हो नहीं पाता है. समटाइम्स मैं कहीं चली जाती हूँ, फिर कोई आ जाते हैं, या फिर कुछ काम भी रहता है, तो हर दिन नहीं हो पा रहा था. सो अभी फिर से मैंने सुबह ही शुरू किया एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी. एंड मैंने ज़्यादा कुछ फैंसी चीज़ें दिखाने की कोशिश नहीं करी है, क्योंकि मैंने इस वीडियो को बहुत रो रखा है. जैसा मैं रहती हूँ, जैसा मैं करती हूँ, वैसा ही किया है. इफ़ यू हैव बिन फॉलोइंग मी इन इंस्टाग्राम, आपको पता ही है मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है, तो उसमें कुछ नई बात नहीं है मेरे लिए. एंड आई विल ट्राई टू बी वेरी रॉ. मुझे मेरा वही था ये शूट करने से पहले. अभी तो मैं फ्रेशन अप हो गई, सो मुझे लगा कि नाउ आई कैन सिट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड आई कैन टॉक टू यू. जब मैं उठी थी तो उस समय मैं बात करने के मूड में नहीं थी, मुझे थोड़ा समय चाहिए भी होता है. सो अभी मैं बाकी का शूट करूँगी, आपको वीडियो बना के मैं दिखाऊँगी क्या होता है, कैसे होता है. बट यार लेट हो रही हूँ आज मैं, क्योंकि यूजुअली मैं जो फ्रेशन अप हो जाती हूँ हार्डली 20-25 मिनट्स के अंदर मैं हो जाती हूँ, बट अभी 45 मिनट्स करीब हो गया है. सो ट्राईपॉड जब मैं यहाँ से वहाँ ले जाती हूँ तो बहुत समय लग जाता है. मुझे लगता है जो चीज़ मैं 2 घंटे में करती थी, आज शायद मैं उसको 3-3.5 घंटे में ख़त्म करूँगी. बट वट एवर इट इज़, आई एम रियली वेरी हैप्पी कि बहुत समय बाद में एक व्लॉग लेके आई हूँ. एंड वो भी मेरा जो मॉर्निंग टाइम होता है वो बहुत ही प्रोडक्टिव होता है, तो उसको मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इन टू द वीडियो. सो यू हैव ऑलरेडी सीन कि मैं 6 बजे उठ गई थी. इससे ज़्यादा जल्दी भी मैं उठती हूँ अगर कुछ काम रहता है तो, बट 6 बजे एक फिक्स टाइम है, मीन्स यूजुअल टाइम है, तो उठ जाती हूँ इतने बजे तक. उठने के बाद मैं अपना बेड बनाती हूँ, फिर घर के विंडोज़ और कर्टेंस खोल देती हूँ, क्योंकि क्रॉस वेंटिलेशन होना ज़रूरी है. एक फ्रेश एयर आती है तो फ्रेश वाइब क्रिएट होता है, बहुत अच्छा लगता है. एंड रात का जो भी एक बासी सा स्मेल रहता है वो भी चला जाता है. उसके बाद मैं अपने मॉर्निंग चोर्स में लग जाती हूँ, जैसे फ्रेशन अप होना, पानी गर्म करना, चाय पीना, ये सब वगैरह. देन मैं क्या प्रेफर करती हूँ, 38 डिग्री में भी मैं गर्म पानी ही पीती हूँ, पिया है मैंने, तो मैंने उस समय टेम्परेचर नोट किया था. तो ये आप मेरे बहुत पुराने वीडियो में जाकर भी देखेंगे तो आपको मिलेगा. ये मैंने कुछ नया नहीं बोला है, पता नहीं क्यों ल्यूकवर्म वाटर मतलब पीने का मुझे आदत है. मैं ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पी सकती, तो मॉर्निंग में मुझे मतलब ये सब चीज़ें आराम से करनी होती है, हड़बड़ी नहीं करनी होती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मॉर्निंग का जो ये समय है, ये एक मी टाइम बोल लो आप, या अपने आपके पर्सनल चोर्स बोल लो, जो भी है, आप इन्हें बिना हड़बड़ी के अच्छे से करते हैं तो पूरा दिन के लिए आप प्रिपेयर हो जाते हैं, मेंटली एंड फिज़िकली भी मेरे हिसाब से. देन उसके बाद मॉर्निंग का टी मैं एंजॉय करती हूँ, जो जिसमें मैं शुगर यूज़ नहीं करती. मैं पहले ग्रीन टी ही पीती थी, बट काफ़ी समय हो गया मैंने थोड़ा छोड़ा है, क्योंकि मैं एम्प्टी स्टमक नहीं पी पा रही हूँ इन दिनों. आई डोंट नो व्हाट इज़ रॉन्ग विद मी. तो आजकल मैं क्या करती हूँ, मैं ब्लैक टी पीती हूँ विदाउट शुगर और प्लेन में, उसमें अदरक वगैरह कुछ भी, बे लीव्स वगैरह कुछ नहीं डालती. कभी कभार कोई हर्बल टी ले लेती हूँ, वो अलग होता है, बट प्लेन में ब्लैक टी ही प्रेफर करती हूँ. उसके बाद मैं जर्नलिंग करती हूँ, आप लोगों ने देखा ही है मेरे इंस्टाग्राम में, मैं काफ़ी कंसिस्टेंट हूँ इस चीज़ को लेके. तो मैं 2 जर्नल्स करेंटली फॉलो कर रही हूँ, एक है ग्रैटिट्यूड वाला और दूसरा है मैनिफेस्टेशन वाला. तो काफ़ी अच्छा है, मुझे मैनिफेस्टेशन वाला ज़्यादा पसंद है और वो बहुत प्रोडक्टिव भी है. उसके बाद मैं मंथली प्लानिंग करती हूँ, आपको पता है, तो मैं हर दिन क्रॉस चेक कर लेती हूँ कि क्या हो रहा है, मैंने किसी वीक में कुछ कर पाया या नहीं. तो ये जो वीडियो मैं शूट कर रही थी मंडे को कर रही थी, एक्चुअली मंडे को तो मैं हमेशा क्रॉस चेक करती ही हूँ कि लास्ट वीक के अंदर मैंने क्या क्या अचीव किया, क्या क्या टास्क किए. आफ्टर दैट आई डू योगा, एंड जैसा मैंने कहा है आई प्रेफर टू डू इट इन द मॉर्निंग आवर्स, मुझे पसंद है इवनिंग से ज़्यादा. एंड मेरे इंस्ट्रक्टर ने कहा था, और हम सबको भी पता है, चाहे हम वर्कआउट करने से पहले हो या फिर स्पोर्ट्स खेलने से पहले हो, हमें स्ट्रेचिंग की ज़रूरत रहती है, हमें अपने बॉडी को वार्म अप करना होता है. तो स्ट्रेचिंग के बाद सूर्य नमस्कार इज़ द बेस्ट थिंग, आपका पूरा बॉडी उसमें स्ट्रेच हो जाता है. उसके बाद आपको जो भी पोस्चर्स करने हैं, जो भी एक्टिविटी करनी है, आप कर सकते हैं. तो मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा वेट को नॉर्मलाइज करने के लिए,
क्योंकि मेरा वेट थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, BMI के हिसाब से थोड़ा मैं क्रॉस कर चुकी हूँ, तो इसीलिए मैं वापस थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ। देखती हूँ मैं कितना सक्सेसफुल हो पाती हूँ, क्योंकि इतना इजी भी नहीं है ये ओवरनाइट में नहीं होता है, काफ़ी मेहनत लगती है, डिसिप्लिन लगता है, और सिर्फ वर्कआउट नहीं, आपके फूड हैबिट्स भी काफ़ी हद तक मायने रखते हैं। एंड देन लास्ट में ब्रीदिंग एक्सरसाइज में कभी मिस नहीं करती। एंड कोई भी वर्कआउट के बाद आपकी बॉडी को थोड़ा सा समय चाहिए होता है कूल डाउन होना। कूल डाउन आप फ़ैन के नीचे रह के तो नहीं कर सकते, तो यू नीड सम टाइम। उसके बाद इसीलिए मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा सुबह का हल्का जो भी डस्टिंग वगैरह या कुछ भी है वो मैं कर लेती हूँ। यूजुअली डीप क्लीनिंग तो हम संडे को करते हैं, बट हर दिन का जो डेली होता है वो मैं वर्कआउट के बाद करती हूँ, क्योंकि तब तक बॉडी थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। एंड मैं जब नहाने के लिए जाती हूँ तो आराम भी हो जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि हमें इमीडिएटली वर्कआउट के बाद नहीं नहाना चाहिए, बॉडी को नॉर्मल रूम टेम्परेचर में नॉर्मल होने देना चाहिए, उसके बाद ही हमें शावर लेना चाहिए। तो मैं वही करती हूँ, थोड़ा सा टाइम इधर उधर टहल लेती हूँ, उसके बाद मैं अपना शावर ले लेती हूँ। सो मॉर्निंग शावर एंड स्किन केयर के बाद मैं जाती हूँ फूलों को तोड़ने के लिए। उसमें भी काफ़ी मेहनत लगती है, कभी जंप करना होता है, कभी कुछ कभी कुछ। अगर मैं लेट हो जाती हूँ तो नहीं भी मिलते हैं कभी फूल, बट फिर भी हमारे नेबर में एक बड़ा सा पेड़ है, सो इट्स वेरी फिजिबल फॉर मैनी ऑफ अस, तो मैं भी वहीं से यू नो जुगाड़ कर लेती हूँ। उसके बाद शुरू होता है मेरा जो स्पिरिचुअल आर है, या मोमेंट, या टाइम कहूँ, क्या कहूँ, एक्चुअल मुझे वर्ड्स भी नहीं मिल रहे हैं, बट कुछ ही पल के लिए सही 10 या 15 मिनट जो भी मैं समय देती हूँ, मैं बहुत डेडिकेटेड हो जाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है ये जो समय है, कुछ एक अलग ही फीलिंग है इस चीज़ की, जो पार है, जो एनर्जी है, यू कैन नॉट एक्सप्लेन। एंड मैं झगड़ती भी हूँ बहुत भगवान से, बट लाइक अ पेरेंट यू नो मैं घूम फिर के जाती हूँ किन के पास, उनके ही छत्र छाया में। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू इन द मॉर्निंग। एंड नाउ मैं बनाऊंगी अपना ब्रेकफास्ट, जो मैं आज बासी राइस है उसे ही मैं फ्राई करने वाली हूँ, एंड थोड़ी सी चटनी बच गई थी कल रात की तो मैं उसे ही खाने वाली हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ। एक्चुअली मैंने एक ही मॉर्निंग में पूरा शूट किया है, मैं चाहे तो 2-3 मॉर्निंग का लेकर कलेक्ट करके भी कर सकती थी, बट मैंने सोचा कि चलो एक ही मॉर्निंग का दिखा देते तो अच्छा लगेगा, इसीलिए वो था मेरा मोटिव। एंड व्हेन यू आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट देन यू डोंट माइंड हैविंग राइस इन द मॉर्निंग, तो हमारे यहाँ चलता है, तो हमारे यहाँ कुछ भी चलता है, तो मुझे तो अच्छा ही लगता है सुबह व्हीट हो या राइस हो। ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ ओट मील वगैरह ऐसे ही खाओ। ऑब्वियसली मैं वेट लूज़ कर रही हूँ, बट मुझे लगता है कि आप बैलेंस करने मतलब आपको अगर बैलेंस करना आता है तो हो जाता है सब चीज़। आप अगर ओट मील खाकर भी एक ही जगह रहे रहेंगे, हिलेंगे नहीं, मूव नहीं करेंगे अपने बॉडी को, और बाकी का भी जो मील्स है उसमें भी आप हैवी कैलोरीज पुट ऑन करेंगे, तो डेफिनेटली आप वेट भी पुट ऑन करेंगे। तो यू शुड नो कि कैसे करके बैलेंस करना है। एंड या विद दिस आई एम डन विद माई समर मॉर्निंग रूटीन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। सो टिल आई ब्रिंग माई नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।